हेलो एवरीवन, मी गुरपाल सिंह फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्वाड्रिक इक्वेशन का ही है, बट इसमें क्या है, हमारे में एक मेथड हमने यूज करना है। मेथड का नाम है कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमने क्वाड्रिक इक्वेशन में ही यूज करना है वो स्क्वायर यूज करके यूज करना है। ठीक है ना, स्क्वायर वाला मेथड यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्क्वायर मेथड में होता क्या है, आपको पहले वो चेक करना है कि क्या उसके परफेक्ट रूट्स हैं या नहीं है। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको चेक करना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर में रूट में है या नहीं है। अगर वो होगा फिर आप उसको फर्दर स्क्वायर मेथड पे जाके सोल्व करोगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x² + 7x + 3 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पहले इसको चेक करना है कि क्या ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो रियल है या नहीं है। वो कैसे चेक करोगे, आपको इसमें से ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। कैसे पता लगती है, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट क्या है हमारे पास 2, एक्स का कोफिशियंट 7 एंड वाई सी का जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, 2, 7 और 3 वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसी चीज को इस फॉर्मूले में पुट करना है जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले में हमने पुट करनी है। तो बी 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3, तो कितना है, 7, 7 × 49 माइनस 3 × 6, 6 × 4 इट विल बिकम 24। ठीक है, तो हमारे पास 19 − 24 इट गिव 25 विच इज अ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो हमारे पास जो रूट होगी वो रियल होगी। रूट ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी उसकी रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हमारे पास जब वो 0 से बड़ा होगा तभी हमने उसको आगे सॉल्व करना है। अगर वो 0 के इक्वल आ गया, सॉरी 0 से छोटा आ गया तब आप उसको नहीं करोगे, अगर 0 के इक्वल आ गया तब भी करोगे आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मेथड है वो यूज क्या करना है, सिमिलरली वो इक्वेशन को दोबारा लिखोगे, क्या है 2x² + 7x + 3। अब इसको पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लाइक 2। ठीक है, 2 है हमारे पास तो 2 के साथ आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा x² + 7/2x + 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सॉरी यहां पे माइनस है, आई पुट द पॉजिटिव वैल्यू, इक्वेशन में यहां पे माइनस है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 + 3। अब हमने डिवाइड फैक्टर से लगा दिया, अब हमने क्या था डिवाइड विद ऑल, मतलब इसको भी किया तो इसके साथ भी आएगा, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 0 के साथ डिवाइड करो तो 0 ही बनेगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हमने क्या करना है, एडिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स मल्टीपल विद दैट हाफ एंड यू ऑल्सो हैव टू टेक अ स्क्वायर ऑफ दैट। मतलब हमारे पास जो एक्स का कोफिशियंट जो दिया हुआ है जो कि -7/2 है। ठीक है, तो अगर -7/2 है, -7/2 को आपको उठाना है, मल्टीपल करना है हाफ के साथ, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है। लाइक जैसे यहां पे बना के दिखा रहा हूं, आपको उस चीज को ऐड करना है, वो मैं लिखता हूं एडिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स मल्टीपल विद हाफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपको बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोफिशियंट क्या होगा एक्स का, अब हमारे पास क्या होगा वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा -7/2x + (, ठीक है, हाफ जो हमने यूज करना है इनटू कोफिशियंट ऑफ एक्स का क्या है -7/2, इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर, देन +3/2 = ½ -7/2 होल का स्क्वायर। अब हमने बोला था ऐड करना है बोथ साइड, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेकिंग दिस साइड। अब जीरो में कुछ जोड़ोगे तो वो वही आएगा। ठीक है ना, जीरो मत बना देना इसको। तो अब हमें इसको नेक्स्ट में सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -7/2x, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7
अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर, देन प्लस 3/2, सिमिलरली यहां पे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स आ गया, प्लस कर दिया। अब इसका स्क्वायर माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा, 7/7 49 बाय 4 का स्क्वायर, इट विल बिकम अ 16, तो प्लस 3/2, सिमिलरली यहां पे 49/16। अब ये वाली पॉजिटिव वैल्यू को उधर ले जाना है और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहां पे पॉजिटिव का साइन गिवन है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 49/16 इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। अब इस चीज को आपको सोल्व कैसे करना है, एलसीएम लेके, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 16, देन फिर आपके पास जैसे आपको पता ही है सिखाया हुआ है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे, यहाँ पे x दिया हुआ है, x स्क्वायर मतलब x यूज करना है, साइन हमारे पास माइनस का है, 7 का ये हो जाएगा 49, 7/7 49, 4/4 16, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये हमने यूज करना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास 7 x माइनस 7/4 अपॉन का स्क्वायर इक्वल टू 49/16। तो अब मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं उसी को, ठीक है, तो मैं दोबारा लिखता हूं x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 49/24/16, यही था। तो अब हमारे पास क्या है, 49 में से 24 को माइनस करेंगे, इट विल बिकम 25/16 और ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर 5 का एंड 4 का, 4/4 16, 5/5 25 आ गया, स्क्वायर ले लिया तो कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ठीक है, तो प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। अब इसको उधर करना है, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, आपको वैल्यू दे दी है, आपको क्या करना है अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 5/4 प्लस चला जाएगा 7/4 x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, तो ये एक हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 7 × 5 = 12, 12 × 4 कैंसिल करके 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी एक तो, ठीक है, दूसरी जो हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7/4 x विल बिकम 2/4 मीन्स हाफ, तो x की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए। तो ये था हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जाके पूछ के बता देना। तो हमने किया क्या था, सॉरी, ठीक है, तो किया क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन थी, पहले हमने उसको इस फॉर्मूले में पुट करके हमने ये देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो रूट के जो इक्वेशन है वो रियल है या नहीं है, ठीक है, अगर तो वो जीरो से ज्यादा या जीरो आ जाएगी तब हमने इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज इसको वहीं छोड़ देना है, ठीक है। फिर इक्वेशन तैयार करी, ऑलरेडी तैयार थी, उसको डिवाइड बाई टू कर दिया, डिवाइड बाई टू करने के बाद ये तैयार हो गई, फिर उसका कोफिशियंट जो हमने उठाया था उसको दोनों तरफ लगा दिया था, दोनों तरफ लगाने के बाद उसको यहाँ पे भी पुट किया और यहाँ पे भी पुट किया जो कि एडिशन का साइन था, फिर इसको सोल्व करके हमारे पास 7/4 जो कि माइनस का स्केयर बन जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा, तो उसका स्केयर जो माइनस है वो पॉजिटिव बन जाएगा, 49 हो जाएगा और 16 हो जाएगा और बाकी सारा एज इट इज ही हमने लिख देना। फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम यहाँ पर जो इक्वेशन तैयार होगी ये तीनों में से हमने एक फॉर्मूला बना देना है ए माइनस बी का होल स्केयर, इसी को परफेक्ट स्केयर का रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज करके बस हमारे पास रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज क्या थी, प्लस माइनस करके एलसीएम वगैरह लेके आ जाएगा, फिर उसको एक प्लस की एक माइनस की उसको अलग अलग कर दिया, वैल्यू पुट करी, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट को क्लियर करवाना, ठीक है। और बाकी अगर किसी को बहुत अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स।